करती है, टारगेट सबसे ज्यादा जिताने में इनकी मास्टरी है और ये हमेशा खुद का टारगेट, आज तक कोई टारगेट ऐसा आया नहीं है जो पवन यादव जी ने जीता नहीं हो, तो इसका मतलब टारगेट जीतना और जिताना इनकी फितरत में शामिल है। तो दोस्तों आज अब हम इनको सुनेंगे और मैं चाहता हूं कि 1 से 1.25 घंटा, अभी 5:44 हुई है और मैं चाहता हूं 7 बजे तक करीब करीब 1 से 1.25 घंटा, 1.25 घंटा के आसपास हम पवन यादव जी को सुनेंगे। और उसके बाद पवन यादव जी को सुनने के बाद जो भी आपके मन में भावनाएं आएंगी आप चैट बॉक्स में लिख के आप प्रकट कर सकते हैं, पवन यादव जी बाद में पढ़ लेंगे। और 5-7 लोग जो हमारे सुपर डुपर हिट लीडर्स हैं उन 5-7 लोगों से जरूर हम लोग, 5-7 नए लोगों से बिल्कुल फ्रेशर और 5-7 हमारे सीनियर लीडर से हम फीडबैक भी लेंगे। और ना केवल आज पवन यादव जी को सुनेंगे, पवन यादव जी की बताई हुई एक एक बात को आज हम नोट डाउन करेंगे अपनी पेन डायरी से, अपने दिमाग में नोट डाउन करेंगे और उसको अपनी जिंदगी में उतार के और पवन यादव की तरह, पवन यादव जी की तरह मरकरी बनना। और अभी बहुत जल्दी इस साल में क्राउन भी बनने जा रहे हैं, तो क्राउन बनने तक का सपना हमने पूरा करके दिखाना है। दोस्तों आज की ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब होने वाली है, मैं एक ही बात बोलूंगा, जितने लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हो वीडियो ऑन रखें, लेकिन बनियान पहना हुआ अगर किसी ने वीडियो ऑन किया तो मैं तुरंत उसको आउट कर दूंगा और मैं माफी भी नहीं मांगूंगा, सही है। लेकिन सारे लोग जो प्रॉपर ड्रेस में बैठे हैं वो अपना वीडियो ऑन कर ले और इस ट्रेनिंग को, आज का जो अद्भुत सेशन होने वाला है उस सेशन का दिल से आनंद ले और अपने रोम रोम में कण कण में उसको बसाएं और अपने जो ड्रीम पूरा करने के लिए आप इस बिजनेस में आए थे उन ड्रीम को पूरा करने के लिए आप अग्रसर हो, आगे बढ़े। तो दोस्तों अभी इससे आगे की कार्रवाई को मैं चाहता हूं पवन जी की एक बार और झलक दिखला देता हूं आपको कि पवन जी हमारे बहुत ही चाहते लीडर्स में से एक लीडर है और पवन जी जब स्टेज पे बोलना शुरू करते हैं तो उसके बाद लोग ऐसे सुनते रहते हैं और उनको लगता है सुनते रहे। तो आज का 1.25 घंटा 5 मिनट ऊपर नीचे कोई बात नहीं चलती है, लेकिन आज का जो 1.25 घंटा हम सुनने वाले हैं उस सुनने के बाद आज सारे लोग लास्ट में मैं गारंटी से बोलता हूँ मुट्ठी बांध के जाएंगे, बोलेंगे सर इस सप्ताह अभी हम बहुत तगड़ी क्लोजिंग करके दिखाएंगे और ये जो टारगेट चल रहा है वो टारगेट को भी जीत के दिखाएंगे। तो दोस्तों बगैर ज्यादा समय वेस्ट किए मैं अभी पवन यादव जी को स्टेज पे कॉल करना चाहूंगा और मैं चाहता हूँ सारे लोग ऊपर हाथ करके बहुत जोरदार तालियों से, लड़खड़ाहट भरी तालियों से हम उनको कॉल करते हैं। आप पवन यादव जी वेलकम, वेलकम 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 पवन यादव जी, वेलकम सर, वेलकम 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 सर, वेलकम पवन जी, बहुत बढ़िया। हां पवन जी, बिना पवन के तो काम चलता ही नहीं, सबको पवन चाहिए। जय हो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मागुरु जी की जय हो, प्रणाम मागुरु जी, और बाकी सभी साथियों को, संजय यादव जी हैं, चौधरी साहब हैं और एनसी विश्वास दादा हैं, बाकी सभी डायमंड एंड अबाउ जितने लीडर्स हैं, सभी रेड क्लब लीडर्स को नमस्कार और सभी पार्टिसिपेंट जितने जो 1000 लोग जो जुड़े हुए हैं आप सभी को नमस्कार। साथियों सबसे पहले तो मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ ग्रेट मागुरु जी का जिन्होंने आज मेरे को मौका दिया पैनल के ऊपर बोलने का, और जो भी बातें आज ग्रेट मागुरु जी ने मेरे बारे में बताई हैं सब इन्हीं का आशीर्वाद है। मागुरु जी के पद चिन्हों पे लगातार पिछले 11 साल से मेरे को सौभाग्य मिला है कि इनके पद चिन्हों के ऊपर चलने का, और आज जो लाइफ के अंदर जितने जो परिवर्तन आए हैं साथियों वो सारे के सारे कहीं ना कहीं मागुरु जी के डिसीजन की वजह से और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी सेफशॉप की वजह से आए हैं। तो सबसे पहले तो आज के सेशन के अंदर मैं वर्ल्ड की नंबर 1 सेफशॉप कंपनी और हमारे वर्ल्ड के नंबर 1 मागुरु जी लोगों की के कहीं ना कहीं आज उनके प्रताप और उनके आशीर्वाद की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमारी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी और वर्ल्ड के नंबर 1 गुरु जी लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। साथियों सबसे पहले मैं अपना परिचय जरूर देना चाहूंगा, नाम मेरा पवन यादव और बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और आज से करीबन 11-12 साल का सफर मेरे को हुआ है इस बिजनेस के अंदर। और बिजनेस में जब मैं आया था उससे पहले डॉक्टर बनने का मेरा ड्रीम था, लेकिन फाइनेंशियली साउंड नहीं थे क्योंकि फादर जो है उन्होंने मजदूरी कर करके हम लोगों को पढ़ाया, तो पैसा इतना नहीं था, तो इसलिए जो है डॉक्टरी का सपना बीच में ड्रॉप करना पड़ा। और उसी दौरान योगेश यादव जी जो कि मेरे एल्डर ब्रदर हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने सेफशॉप की शुरुआत की थी और शुरुआत में करीबन 2-2.5 साल तक मैं नेगेटिव था इस काम को लेके,
लेकिन जैसे जैसे उनकी सक्सेस देखी, जैसे जैसे मैं मीटिंगों में जाता था, तो धीरे धीरे, क्योंकि बोला जाता है कि जैसा इंसान सोबत में रहता है वैसा बनता जाता है, तो धीरे धीरे करके दिमाग में बातें आती गई और जो है बिजनेस की पावर पता चली। और योगेश सर के ज्वाइनिंग के करीबन 2-2.5 साल के बाद मैंने इस बिजनेस के अंदर शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद फिर डॉक्टरी का ड्रीम छोड़ के डायमंड शिप का ड्रीम देखा, और डायमंड बनने के लिए इस बिजनेस के अंदर मैं उतर गया। और डायमंड बनने के साथ साथ फिर इस बिजनेस के अंदर जो है बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ग्रेट मेंटर्स के साथ जो है इनकी ट्रेनिंग लेने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ, और बहुत सारी चीजें ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से इस बिजनेस में मेरे को सीखने का मौका मिला। और लगातार ये सफर चलता गया और चलते चलते इस बिजनेस से कुछ अचीवमेंट पे मैं पहुंचा। 800 रुपए के मोबाइल से आज 1,35,000 रुपए के मोबाइल तक इसी बिजनेस ने पहुंचाया साथियों। शुरुआत मेरी लाइफ का पहला मोबाइल 800 रुपए का था, और आज इसी बिजनेस से बीच में काफी सारे मोबाइल चेंज करने का मौका मिला, और आज 1,35,000 के मोबाइल तक इस बिजनेस ने पहुंचाया। HCL के लैपटॉप से शुरुआत करके आज मैकबुक तक इस बिजनेस ने पहुंचाया। इसके अलावा टिमटिम घड़ी, किसी समय के ऊपर कलाई के ऊपर 25 रुपए की टिमटिम घड़ी बनती थी, और आज इसी बिजनेस की वजह से 1,58,400 रुपए की राडो कंपनी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इसी बिजनेस की वजह से, और 4-4 गाड़ी लेने का मेरे को मौका मिला इसी बिजनेस से। मेरी लाइफ की पहली कार 21 साल की उम्र में हुंडई एसेंट मैंने ले ली थी, 23 साल की उम्र में मैं i20 में आ गया था, और 26 साल के एज के अंदर मैं ओडी कार में आ गया था। और घर पे जो है वाइफ को एक कार गिफ्ट किया ऑटोमेटिक में, फोर्ड कंपनी का एस्पायर, ये वाइफ को गिफ्ट किया। तो 4-4 गाड़ी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इसी बिजनेस की वजह से। और गुड़गांव जैसे जो है सिटी के अंदर बहुत ही हाईटेक सिटी में घर लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इसके साथ साथ गांव के अंदर भी ये खूबसूरत घर ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद की वजह से और सेफ शॉप की वजह से साथियों बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इसी बिजनेस की वजह से। इसके अलावा बहुत सारी बार विदेश जाने का मौका मिला इसी बिजनेस से। जैसा मागुरु जी बता रहे थे कि हमारी मान कंपनी हर 3 महीने के अंदर टारगेट देती है, और कोई भी टारगेट हमने छोड़ा नहीं, क्योंकि कंपनी टारगेट दे रही है और टारगेट हम नहीं जीते तो इसका मतलब हमारी दमदारी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। तो साथियों हर बार ये दमदारी साबित की, टारगेट जीत के सिंगापुर गए, दुबई होके आए, और दुबई के अंदर ये देखिए मागुरु जी लोगों के साथ विश्व के नंबर 1 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब के अंदर जो है हम लोगों ने डिनर किया, और वहां पे फोटो खिंचवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्ल्ड के सबसे ऊंचे बिल्डिंग के साथ फोटो खिंचवाने का जो है बुर्ज खलीफा के साथ फोटो खिंचवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई बार थाईलैंड जाने का मौका मिला इसी बिजनेस से। इसके अलावा यूरोपियन कंट्री जाने का मौका मिला, जिसमें आपका रशिया, पेरिस, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ये सारे के सारे ट्रिप जो है इस बिजनेस की वजह से किए। और स्विट्जरलैंड के अंदर तो सिमरन के साथ फोटो खिंचवाने का भी मौका मिला वहां पे। तो जो है ये सारे के सारे जो अचीवमेंट आए वो सिर्फ एक ही वजह से आए कि सेफशॉप जैसी मान कंपनी में ही पॉसिबल है साथियों, इसके अलावा कहीं भी पॉसिबल नहीं है। आज जो औकात जो तैयार की है इस बिजनेस ने, सिर्फ इस बिजनेस ने तैयार की है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक नॉर्मल BSc पढ़ा लिखा लड़का, एक नॉर्मल ग्रेजुएट हूं मैं, BSc मैंने पढ़ाई लिखाई किया, और ग्रेजुएशन की आज हालत यह है कि आंख बंद करके आप एक भीड़ में पत्थर फेंको और जिसके लग जाए उससे पूछो कि भाई साहब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो या तो बोलेगा मैंने ग्रेजुएशन किया, या बोलेगा मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो ग्रेजुएशन की आज के टाइमिंग में बहुत ज्यादा वो नहीं है। आज अगर मैं अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके मार्केट में जाऊं तो मेरे को 15,000 रुपए कोई नहीं देगा, लेकिन ये तो इस बिजनेस की है, सिस्टम की, और गुरु लोगों का आशीर्वाद है और ये सिस्टम की मानता है, जिसकी वजह से आज इस बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें हो पा रही है। इसके अलावा साथियों पहला चेक जो है 435 रुपए का मेरा बना था इस बिजनेस में, जो कि TDS कटने के बाद 500 रुपए का चेक, TDS कटने के बाद 435 का आया, और उसके बाद इसी बिजनेस से 2 लाख रुपए की कैपिंग भी लेने का मौका मिला। और ये मैंने जो है मेरे अकाउंट के स्क्रीनशॉट भी लगा रखे हैं कि अकाउंट में भी पेमेंट आता है, क्योंकि बहुतों को गलतफहमी होती है कि ये जो है सिर्फ दिखाई देता, अकाउंट में नहीं आता। फिर 4 लाख रुपए की कैपिंग दिया, तो गुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से इस महान कंपनी की 4 लाख रुपए की कैपिंग लेने का भी मौका मिला, जो कि TDS कटने के बाद 3,85,000 रुपए का चेक आया। और उसके अलावा फिर हमारे CCC प्लान के अंदर 1 वीक का 5,29,871 रुपए का भी चेक बनाने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि TDS कटने के बाद 5,10,001 रुपए का चेक जो है मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुआ। ये सारी चीजें हुई, और मैं हमेशा प्राउड के साथ बोलता हूँ, मैं हिंदुस्तान के जिस भी शहर में जाता हूँ साथियों, हमेशा प्राउड के साथ इस बात को बोलता हूँ कि सारे जहां से अच्छा सेफ शॉप बिजनेस हमारा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इतना प्राउड क्यों करते हो सेफ शॉप पे, मैं इसलिए करता हूँ इतना प्राउड सेफ शॉप के ऊपर कि सेफ शॉप जैसी कंपनी ने एक आम लड़के की जिंदगी को चेंज किया है। ये देखिए 22 मई 2020 जिस समय पे लॉकडाउन चल रहा था, लोगों की नौकरियां जा रही थी,
उस समय के ऊपर मैं सलूट करना चाहता हूँ सेफसॉफ्ट जैसी महान कंपनी को कि 22 मई 2020 से 3 जुलाई 2021 का जो मेरी इनकम थी इसी बिजनेस से साथियों 18,82,086 रुपए, ये करीबन जो है 8 वीक की इनकम इस बिजनेस की वजह से जो है मेरे को लेने का मौका मिला था। तो इसलिए मैं हमेशा प्राउड के साथ बोलता हूँ कि सेफसॉफ्ट बिजनेस दुनिया का बेस्ट बिजनेस है। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रोफेशन कोई ऐसा नहीं है कि जो एक नॉर्मल पढ़े लिखे लड़के को और आज इस बिजनेस के अंदर इतनी अच्छी इनकम के ऊपर पहुंचा सकता है। तो मुझे कहीं भी मार्केट में कोई ऐसी जगह नहीं नजर नहीं आती। एक ही एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ही कंपनी है विश्व की जो जिसके अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल हैं और उस कंपनी का नाम है सेफसॉफ्ट कंपनी। तो साथियों, और उसके अलावा किसी समय पर मेरा ड्रीम हुआ करता था कि मैं ए ग्रेड ऑफिसर, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर में लगूंगा तो 70-80 हजार रुपए में पर मंथ कमाऊंगा। लेकिन साथियों, इस बिजनेस के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने एवरी मंथ, हर महीना हमारा जीएसटी जाता है तो एक एक महीने के, एक महीने का ये देखिए 1,49,801 रुपए मेरा जीएसटी गया और नेक्स्ट मंथ का मेरा 2,03,973 रुपए भारत सरकार को जीएसटी पे किया। यानी कि एक महीना जहां पे हम 70-80 हजार रुपए कमाने की किसी समय पे सोचा करते थे कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और उसके बाद 70-80 हजार रुपए कमाएंगे, लेकिन आज ये सेफसॉफ्ट की ताकत देखिए, सेफसॉफ्ट की पावर देखिए कि एक एक महीने का 1.5-2 लाख रुपए से भी ज्यादा इस बिजनेस की वजह से जीएसटी हम भारत सरकार को पे करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए क्या किया, इन सारी चीजों के लिए जो है आज मैंने जो इस सिस्टम के साथ लगातार काम करके विश्वास करके साथियों टीम बिल्ड किया। हम सभी के सभी लोग एक ग्रैंड सक्सेस के लिए इस बिजनेस के अंदर आते हैं और दो टारगेट हर इंसान लेके चलता है इस बिजनेस में। मेरा भी टारगेट था, हर लीडर जो सेफसॉफ्ट का कहीं ना कहीं जाबाज कमांडो है, जाबाज योद्धा है, दो टारगेट हर इंसान के होते हैं। सबसे पहला टारगेट डायमंड बनना और दूसरा टारगेट कैपिंग इनकम पे पहुंचना। इन दो चीजों के लिए हम इस बिजनेस के अंदर जो है दिन रात मेहनत करते हैं कि जल्दी जल्दी हम डायमंड बने और डायमंड से पहले हो या डायमंड के साथ साथ हम कैपिंग इनकम के ऊपर पहुंचे। तो ये दो हमारे मेन टारगेट होते हैं और ये दोनों टारगेट के ऊपर साथियों मैंने विश्वास करके आज मैं पहुंचा हूं इस बिजनेस में। तो इसके लिए क्या किया मैंने, इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, इसके लिए सिंपल एक काम किया, वो काम किया मैंने टीम बिल्डिंग का, नेटवर्क बनाने का। क्योंकि ग्रेट मेंटर्स ने और बुक्स के माध्यम से ये पहले दिन मेरे को समझ में आ गई थी कि दुनिया में जितने जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग साथियों नेटवर्क बिल्ड करते हैं, अमीर लोग टीम तैयार करते हैं, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, और जितने लोग जो गरीब रहते हैं पूरी जिंदगी जो गरीब बने रहते हैं वो किसी न किसी नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। आज दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप उठा के देखिए, महान से महान ऑर्गेनाइजेशन भी नेटवर्क के दम पे महान है, क्योंकि इंडिविजुअल दम के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। आज दुनिया के बड़े बड़े ग्रुप, आप किसी ग्रुप को लगा लो, आज सबका कहीं ना कहीं चैन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो चैन सिस्टम में हो, तो साथियों आज के टाइम में चैन की नींद वही सो सकता है जो चैन सिस्टम में है, जिसकी चैन है, जिसका नेटवर्क है। ये जितने जो बड़े बड़े ब्रांड है जिनका आज नाम हम जानते हैं, चाहे वो आईसीआईसी बैंक हो, चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो और चाहे फेसबुक हो, ये सारे के सारे लोग नेटवर्क तैयार करने लग रहे हैं और नेटवर्क तैयार करके ये विश्व के महान लोगों के अंदर और महान ग्रुपों के अंदर इनकी गिनती आ गई। किसी भी ग्रुप का आप उठा के देखिए, तो ये सभी के सभी लोग नेटवर्क बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको एक बात समझ में आ गई है कि अगर विश्व को टॉप करना है तो नेटवर्क के दम पे टॉप होगा, इंडिविजुअल के दम पे टॉप नहीं होगा। तो हमने भी नेटवर्क बनाना जो है शुरुआत किया, क्योंकि इन ग्रुपों ने ऑलरेडी करोड़ों अरबों रुपए लगा के और तब नेटवर्क बनाया। लेकिन साथियों, हम और आप इतने सौभाग्यशाली लीडर्स हैं कि हमको और आपको कुछ नहीं देना, सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी को सैलरी दिए, बिना किसी को जॉब दिए, बिना किसी को नौकरी पे रखे, हम यहाँ पे हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों का हम नेटवर्क फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। और नेटवर्क बनाने के लिए जैसा कि लोगों की जरूरत होती है, और हम और आप तो हिंदुस्तान में रहते हैं जो आज जनसंख्या के पॉपुलेशन के मैटर पे जो है मामले में नंबर 2 पे आता है और हर हिंदुस्तानी ने कसम खाई हुई कि प्रथम स्थान के ऊपर हम आके रहेंगे। लोगों की आज कमी नहीं है नेटवर्क बनाने के लिए, रॉ मटेरियल हमारे पास आज इतना है कि आज हम सोच भी नहीं सकते। जहां भी हम जाते हैं, चाहे आप रेलवे स्टेशन जाइए, चाहे आप एयरपोर्ट पे जाइए, चाहे आप बस स्टैंड जाइए, चाहे आप हॉस्पिटल जाइए, चाहे आप किसी मंदिर में जाइए, चाहे आप किसी मस्जिद में जाइए, चाहे आप किसी चर्च में जाइए, कहीं भी आज पैर रखने की जगह नहीं है, इतना रॉ मटेरियल है हम सारे लोगों के पास। आज लोगों की कमी नहीं है। वो सारे लोग मेरे से मिलते हैं, बोले सर मैं किसके पास जाऊं, किसको मैं प्लान दिखाऊं, किसका मैं नेटवर्क तैयार करूं, बताओ। हिंदुस्तान में रह के और फिर बंदा बोलता है कि आज यहाँ पे लोग नहीं है, इतने सारे लोग हैं साथियों कि जीप के दर्शन हो जाएं तो पैर रखने की जगह नहीं है, और इतने सारे लोग हैं कि ये देखिए बाइक के ऊपर एडजस्ट नहीं हो रहे, 6-6 लोग जो है एक छोटी सी बाइक के ऊपर, हीरो होंडा के ऊपर जो है 6-6 लोग सवार होके चल रहे हैं, इतने सारे लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर।
ये देखिए, रेलवे स्टेशन के ऊपर चले जाए तो पैर रखने की जगह नहीं है, और गलती से अगर बस वाला ब्रेक लगा दे तो 20-30 लोग छत पर से गिर जाए, इतने सारे लोग हैं। ये देखिए, छोटा सा फनी वीडियो लेके आया हूं मैं। पता, इतने सारे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, यानी कि गलती से अगर बस वाला ब्रेक लगा दे तो 20-30 लोग छत के ऊपर से आकर और नीचे गिर जाए रोड के ऊपर, इतने सारे लोग हैं। तो ऐसे देश के अंदर हम रह रहे हैं जहाँ पे नेटवर्क बनाना, जहाँ पे टीम बनाना बहुत ही आसान है, और बहुत ही बड़ा नेटवर्क साथियों हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये नेटवर्क बनाने का मैंने काम किया इस बिजनेस के अंदर। अब बात ही आती है किस बिजनेस के अंदर, इस लेवल पे अभी मैं मरकरी लेवल पे हूँ और क्राउन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। और जैसा महागुरु जी ने बताया है कि इस साल के अंदर जो है क्राउन बनने का और क्राउन एम्बेसडर बनने का टारगेट मेरा है, और ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद की वजह से वो मैं ये सपना जो मेरा ड्रीम है ये मैं पूरा करके दिखाऊंगा 2021 के अंदर। लेकिन इन सारी चीजों के लिए आज 2-2 लाख रुपए की कैपिंग, 4 लाख रुपए की भी कैपिंग, ओडी तक का सफर तय किया। तो ये सारी चीजों के पीछे अगर एक लाइन में मैं बात करूं कि सबसे बड़ा रोल अगर मेरी जिंदगी में किसी चीज का रहा है तो वो ये रहा है कि डे वन से इस बिजनेस के साथियों मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, डायमंड भी बनना चाहते हैं, कैपिंग इनकम पे भी पहुंचना चाहते हैं और टॉप लेवल अचीव करना चाहते हैं, लेकिन जहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जिम्मेदारी लेने की बात आती है, वहां हम लोग पीछे पैर खींच लेते हैं। पहले दिन से इस बिजनेस की, क्योंकि ये बात मेरे को समझ आ गई थी कि टॉप करना है और अगर बड़ा नेटवर्क तैयार करना है तो पवन बेटा बिना जिम्मेदारी के नेटवर्क तैयार नहीं होगा। और आज दुनिया में कोई भी जो इंसान है बिना जिम्मेदारी के आगे नहीं बढ़ सकते। तो साथियों, इस बिजनेस की मैंने जिम्मेदारी ली, पहले दिन से इस बिजनेस की जिम्मेदारी लेके मैं इस काम को कर रहा हूँ। और ग्रेट मेंटर्स ने जैसा जैसा बोला उन चीजों को 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ाया, क्योंकि संस्कार हमने हमारे अपलाइनों से हमारे अंदर संस्कार गए हैं। तो हमने देखा हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी को पूरी कंपनी की जिम्मेदारी लेके और आज उन्होंने नेटवर्क को बिल्ड किया। हर छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज की जिम्मेदारी हमने महागुरु जी को लेते देखा। उसके बाद हमारे ग्रेट मेंटर सुनहरी लाल जी, श्री देवेंद्र शर्मा जी, श्री योगेश यादव जी, इन लोगों को मैंने पहले दिन से जिम्मेदारी लेते हुए देखा है। यानी कि कोई भी चाहे इनका लेवल सिल्वर लेवल से मैंने, फ्रेशर लेवल से योगेश सर को मैंने देखा है, तो पहले दिन से योगेश सर को मैंने जिम्मेदारी लेते देखा है। तो इस खोपड़े के अंदर एक बात तो मेरे बैठ गई थी, अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो बिना जिम्मेदारी लिए इस बिजनेस में सफल नहीं हुआ जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी लेने किन चीजों की है, हमको यहाँ पे कोई रॉकेट नहीं बनाना, हमको यहाँ पे कोई चंद्रयान नहीं बनाना जिसकी जिम्मेदारी लेनी है, हमको यहाँ पे कोई माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई नहीं करनी जिसकी जिम्मेदारी। लग रहा है नेट में थोड़ा सा कुछ वो है। आप पवन जी, पर उन्होंने जब इस सिस्टम को देखा तो अपने ड्रीम को, उन्होंने ड्रीम्स पहले से बड़े थे और इतने एजुकेशन के बावजूद उन्होंने फिर इसको एज ए कैरियर चुना और बहुत ही कम एज में बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनके आज उभर के आए हैं हमारे बीच में, हमें गाइड कर रहे हैं, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और आगे जो बात करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सब चीजों के लिए, आप किसी फील्ड में चले जाएंगे जब तक, और एक चीज बोली जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जो सर ने अभी बात किया जिसके ऊपर बेसिक चीजों के ऊपर काम करने के लिए, कि वो है कि लोग तो भरे पड़े हैं पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो एग्जांपल उन्होंने अपने मेंटर्स का सभी का दिया, महागुरु जी ग्रेवाल सर का दिया, ग्रेट मेंटर्स अपने जो भी अपलाइन एलओएस में थे सुनहरी लाल सर, देन देवेंद्र शर्मा सर, तो सभी का की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए देखा, अपने बड़े भाई जी का एग्जाम्पल दिया, उनको एज ए मेंटर उन्होंने काम देखा। तो जब तक इस बिजनेस में मेंटर नहीं होगा तो मैं सोचता हूँ कि उस व्यक्ति का सेंटर नहीं है, मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फोकस नहीं उस काम के प्रति। तो हम अभी से ऐसे सर आगे आगे बता रहे हैं, तो हम बहुत ही इस चीज को ध्यान से नोट करें और अपने अभी टाइम है
YouTube का लिंक महागुरु जी ने शेयर किया चैट बॉक्स में, आप अपनी टीम को और जो भी अगर YouTube पे नहीं तो उनको इतना डाल दो कि YouTube लाइव करके जो आएगा नरसिंह अग्रवाल सर ऐसे मारेंगे तो YouTube लाइव आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप कनेक्ट करा दीजिए। बहुत ही वैल्यूएबल मैं बोलता हूँ, बहुत सौभाग्यशाली है सर के कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें और नॉलेज हमें मिल रहा है और वो भी टारगेट के बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम पे। तो आज सर हमें बताएंगे वो चीजें क्या क्या काम करने से हमें वो टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। और हमने सर को कई बार सुना है और मीटिंग्स में देखा है एकदम एनर्जेटिक देखने में शांत स्वभाव के, बट अपने फील्ड के एकदम जोशीले जोश के पक्के दमदार एकदम एक्साइटेड रहते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला व्यक्ति होता है हमेशा एक्साइटेड रहता है। तो हम सब लोग आज मुट्ठी बांधने के लिए तैयार हैं और आज मतलब रिकॉर्ड कायम हो गए 5:35। क्या पहले बोलिए, पवन जी आ गए हैं, शमशेर जी दोबारा जी, माँ जी कंटिन्यू आप मान लीजिए सर प्लीज। तो पवन जी आ गए हैं, तो अगेन पवन जी क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस माँ गुरु जी, यस माँ गुरु जी। चलो ठीक है, तो देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं टाइगर, सही है माँ गुरु जी। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, जैसे पहले था वैसे हो गया एकदम से। जी जी माँ गुरु जी, जी माँ गुरु जी वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था माँ गुरु जी, माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वापस चढ़ गए, अच्छी बात। और साथियों इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए मैंने जिम्मेदारी के पार्ट को पहले दिन से समझा और इस बिजनेस में हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए आए हैं और इस बिजनेस में हम अपने परिवार के और अपने कहीं ना कहीं चॉइस की जिंदगी बनाने के लिए आए हैं। और ऐसा बोला जाता है महागुरु जी लोगों के इसकी ट्रेनिंग से हमने सुना है कि कोई भी जंग अगर हमको जीतनी है तो साथियों अपने कंधों पर विश्वास करना पड़ेगा, हथियार अपने कंधों पर उठाने पड़ते हैं क्योंकि दूसरे के कंधों पर हमेशा जनाजे उठा करते हैं। तो ये बात मेरे को समझ में आ गई थी कि जिंदगी में अगर इस जो है गरीबी रूपी जो है इस जंग को अगर जीतना है, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अगर हम लोगों को बढ़ना है, तो इसका मतलब हथियार हमको जिम्मेदारी के रूप में हथियार हमको खुद को उठाना पड़ेगा। अब जिम्मेदारी किन चीजों के लेनी है, जिम्मेदारी मैंने इन छोटी छोटी चीजों की यहाँ पे, क्योंकि आज से पहले हम कभी भी आपने देखा होगा कि हम में से कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो पहाड़ से टकराया हो कि रस्ते से जा रहा था और अचानक पहाड़ आ गया टकरा गया, नहीं कभी भी हम पहाड़ से नहीं टकराते लेकिन छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर जरूर लगती है। मीन्स लाइफ में छोटी छोटी चीजों से हम धोखा खाते हैं, कभी भी बड़ी चीजों से नुकसान नहीं होता। तो इस बिजनेस के बेसिक चीजों की जिम्मेदारी मैंने पहले दिन से समझी और सबसे पहले मैंने जिम्मेदारी उठाई, इस बिजनेस का मैंने प्लान समझा और प्लान समझने के बाद इस बिजनेस का मैंने प्लान दिखाना शुरू किया। उसके बाद साथियों मैंने फॉलोअप करना शुरू किया, फिर मैंने साइनअप स्टार्ट करके रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया, FIM की मैंने जिम्मेदारी ली, FIM सीखी, FIM करना शुरू किया और इस बिजनेस का मैं कोर लीडर तैयार हुआ, कोर लीडर में बना। और ये चीजें ये इसलिए मैं बना क्योंकि एक एग्जाम्पल मेरे को दिया गया था कि अपने गाँव में या अपने शहर में जैसे मदारी आते हैं और बंदर बंदरिया का खेल दिखाने के लिए, सपेरे आते हैं सांप का खेल दिखाने के लिए, तो जब जब मदारी डमरू बजाएगा मींस भीड़ इकट्ठी होगी, जब जब सपेरा बांसुरी क्या बोलते हैं बीन बजाएगा मींस भीड़ इकट्ठी होगी। तो हमारे इस बिजनेस की अब ऐसे सपेरे का कैसे काम चले जिसको बीन ही ना बजानी आए, ऐसे मदारी का कैसे काम चलेगा जिसको डमरू ना बजाने आए। तो साथियों हम अपने बिजनेस की बीन और अपने बिजनेस का डमरू मतलब हमारे यहाँ का प्लान है, अगर हम प्लान अगर हमने देना सीख लिया तो इसका मतलब अपने बिजनेस का डमरू हमने बजाना सीख लिया और हिंदुस्तान के जिस भी कस्बे में, हिंदुस्तान के जिस भी शहर में, हिंदुस्तान के जिस भी महासागर महानगर में हम लोग गए और वहां पे अगर हमको अपने बिजनेस का डमरू बजाना आता है और जब जब हम अपने बिजनेस का डमरू बजाना शुरू करेंगे मतलब भीड़ इकट्ठी होगी और अपना काम रुक ही नहीं सकता है। तो ये प्लान मैंने देखना शुरू किया, दिखाना शुरू किया और प्लान दिखाते दिखाते फिर प्रगति सूत्र किताब बुक जो है उसको मैंने रीड किया, जिस तरह से हर ताले की 3-4 चाबियां होती हैं उसी तरह से हर क्वेश्चन के 4-5 जवाब होते हैं, ऐसा ग्रेट मेंटर से हमने समझा है, हमने सीखा है। तो जो है ग्रेट मेंटर से और प्रगति पथ सूत्र, प्रगति सूत्र जो बुक है उस बुक से हम लोगों ने फॉलोअप करना मैंने सीखा और वहां पे जितने जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके जो है जवाब मैंने वहां से लिए और उसके बाद मैंने मैक्सिमम ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री नरसिंह अग्रवाल सर बोलते हैं कि ये बिजनेस क्वालिटी का नहीं है, ये बिजनेस क्वांटिटी का है, ये बिजनेस GIN ग्रेट इन नंबर्स का है। तो यहाँ पे हमने ग्रेट इन नंबर्स के ऊपर ज्यादा गेम किया, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया, ज्यादा लोगों को फॉलोअप किया, ज्यादा लोगों के साइनअप किए, रजिस्ट्रेशन किया और हर लीडर जो ज्वाइन हुआ उसकी FIM की और इस बिजनेस के मैं कोर बना। तो ये जिम्मेदारी मैंने इस बिजनेस की बखूबी निभाई और जिम्मेदारी निभाने के बाद मैंने करना शुरू किया। फिर मेरे सामने एक चैलेंज आता था कि नेगेटिव रेस्पॉन्स लोग ज्यादा देते थे जो हर लीडर के सामने चैलेंज आता है, तो शुरुआत में मेरे सामने ज्यादा चैलेंज था। तो एक मीटिंग में महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल सर के एक मीटिंग के अंदर मैंने एक बात इनके मुखारविंद से मैंने सुनी थी, सर ने बोला कि हमारा बिजनेस समझदार आदमी को समझ आता है, तो फिर मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि जो हाँ बोलेगा मतलब वो समझदार है और ये जो बिजनेस है ये समझदार को समझ आएगा तो उस आदमी की ही जरूरत हमको जो समझदार है।
नहीं तो जिस इंसान को लाइफ में अपना खुद का फायदा नजर नहीं आ रहा भाई साहब, उसको हम क्या समझदार बोलेंगे? वो समझदार नहीं है। तो ये बिजनेस पागलों को समझ नहीं आएगा, समझदार को ही समझ आएगा। तो जो ऐसे मुंडी हिलाता था यश में, मैं मानता था ये समझदार है तो इसकी मेरे को सख्त जरूरत है, और जो मुंडी ऐसे हिला देता था तो मैं सोचता था ये समझदार नहीं है भाई, इसकी जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे करके मैंने प्लानों में मेरे को कभी टेंशन नहीं हुई, और मैं ज्यादातर प्लान दिखाता गया, और हर बार स्टेज से मैंने ग्रेट मेंटर के माध्यम से सुना है कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इस पॉलिसी के ऊपर मैं लगातार चलता गया, और चलते चलते साथियों आज इस जो है आज मरकरी लेवल हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, डेवलपमेंट किया खुद का, सेल्फ का, क्योंकि जब बिजनेस में आए थे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बिजनेस में आए थे तो ना बिजनेस की कोई नॉलेज थी, ना हमने कोई डिग्री करके आए थे इस बिजनेस में, हम बिल्कुल कोरे कागज की तरह आए नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग की फुल फॉर्म हमको इस कंपनी में आने के बाद पता चला, MLM की फुल फॉर्म हमको इस कंपनी में आके पता चला, तो और सेल्स क्या होता है वो सब इस कंपनी के अंदर आके हमको पता चला, और मेरी लाइफ की पहली कंपनी है ये, तो इसका मतलब इस काम को सीखना अनिवार्य हो गया कि बिना सीखे ये काम चलेगा नहीं। तो मैंने अपने आप को सेल्फ डेवलप किया, खुद को डेवलप किया। डेवलपमेंट करने के लिए पर डे कोई ना कोई एक ऑडियो वीडियो जो कि अपलाइंस लोगों ने जो है रिकमेंड की, तो सिस्टम ने जो रिकमेंड किया वो ऑडियो वीडियो मैंने सुनना शुरू किया, और हर महीना मैं एक बुक जरूर कंप्लीट करता था। पढ़ाई लिखाई का शुरुआत से शौक रहा, क्योंकि नंबर्स मार्क्स हमेशा मेरे 80-85% 90% के रहे हैं, तो हमेशा जो है एक महीने में एक बुक तो कंप्लीट करनी है, लेकिन कई बार महीने में दो दो तीन तीन बुक भी मैं कंप्लीट करता था, और डेली लेकिन मैंने रूटीन बनाया किताब पढ़ने का, आज भी मैं डेली जो है रीडिंग करता हूँ। इसके अलावा बिजनेस मीटिंग को आज तक का मागरू जी मेरा इतिहास है, आज तक कोई भी सिंगल एक मीटिंग कैसी होती है सेट शॉप की, वो मीटिंग मैंने छोड़ी नहीं है। जिस मीटिंग के अंदर मेरे पास मैसेज आया, उस मीटिंग में चाहे मैं कैसे भी करके, स्थिति परिस्थिति कुछ भी रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि कभी भी समय एक जैसा नहीं होता, स्थिति परिस्थिति हर बार आपके फेवर में ऐसा नहीं है, हर बार मेरे फेवर में वो ऐसा नहीं है, हर बार कई बार स्थिति परिस्थिति फेवर में नहीं थी, उसके बावजूद भी बिजनेस की मीटिंग में मैं हमेशा प्रेजेंट रहा। और जैसे ही ये कोरोना काल स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, और जब से ये जूम मीटिंग स्टार्ट हुई, सिंगल एक जूम मीटिंग मैंने मिस नहीं किया। बहुत सारे लोगों को सर मैं देखता हूँ, लोग बोलते हैं कि सर जूम मीटिंग में जो है नेटवर्क की वजह से हम ऐड नहीं हो पाते, ये चैलेंज आ जाता है, वो चैलेंज आ जाता है, यानी कि लॉजिक है कि मीटिंग में को अटेंड नहीं करने के। लेकिन साथियों ये तो वही बात होगी, डॉक्टर बनना चाहता है आदमी और MBBS में एडमिशन ले लिया, लेकिन बोलता मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा। एक आदमी इंजीनियर बनना चाहता है और इंजीनियरिंग कॉलेज में IITN बनना चाहता है और उसमें IIT कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, लेकिन बोलता है कि मैं जो है किताब नहीं खरीदूंगा और मैं सेशन अटेंड नहीं करूंगा, क्लास अटेंड नहीं करूंगा, या करूंगा तो कभी कभार करूंगा। तो ऐसे इंजीनियर का तो पुल भाई साहब मोटरसाइकिल से भी ढह जाएगा। तो ये वाली बात होती है। तो इस बिजनेस का अगर हमको डॉक्टर बनना है, इस बिजनेस का अगर हमको मास्टर बनना है, तो इसका मतलब मैंने अपने आप को डेवलप किया मीटिंगों में जाके, जूम मीटिंग के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से, तो ये काम मैंने किया। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है हमारी जिंदगी की जो कि मेरे साथ ही, एक होता है हमारा फोकस और दूसरी होती है हमारी एनर्जी। इन दो चीजों का 100% गेम है इस बिजनेस में, हमारा फोकस कहाँ है और हमारी एनर्जी कहाँ लगती है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि फोकस हमारा प्रॉपर होता है लेकिन एनर्जी हमारी गलत जगह लग रही होती है, कई बार ऐसी होती है एनर्जी हमारी सही जगह लग रही है लेकिन फोकस हमारा सही जगह नहीं है। लेकिन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी एनर्जी और हमारा फोकस। जब लेजर फोकस हम सक्सेस की तरफ करते हैं तो इसका मतलब माइकल लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको मरकरी क्राउन बनने से और डायमंड बनने से रोक दे, कैपिंग आने से रोक दे आपको, लेकिन हमारी लेजर फोकस लगता है साथियों इसके ऊपर। तो मैंने इस बिजनेस में डे वन से 100% फोकस, बहुत सारी चीजें जो है क्योंकि यंग एज में हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज आते हैं, तो उन सारी चीजों को अवॉइड करते हुए, 3 कार्ड रूल्स को फॉलो करते हुए 100% जो है इस बिजनेस के ऊपर हमने फोकस लगा के रखा और एनर्जी को जो है प्रॉपर लगा के रखा। अब ये फोकस एनर्जी किस पे लगाई, सबसे ज्यादा एनर्जी और फोकस जो मैंने एक चीज के ऊपर लगाया, जिस चीज ने आज मेरे को यहां तक पहुंचाया, और वो था ओनली ऑन कंपनी टारगेट। कंपनी के टारगेट के ऊपर पूरी एनर्जी और पूरा फोकस लगाया, और सिंगल एक टारगेट ऐसा मेरे को याद नहीं है शायद जो मैंने क्वालिफाई नहीं किया हो, मागुरु जी लोगों के आशीर्वाद से और मान कंपनी सेफसॉफ्ट की वजह से हर टारगेट को क्वालिफाई किया, क्योंकि फोकस टोटल एक ही चीज पे आता था, टारगेट। टारगेट जिस दिन क्लोज होता था उसी दिन नाइट को 12 बजे टारगेट क्लोज हुआ, 12 बजे तक हमने टारगेट के अंदर जो है पूरी एनर्जी लगाई, टारगेट क्वालिफाई किया। और एक लाइन मेरे को बड़ा मोटिवेट करती थी, एक स्कूल के अंदर दीवार पे मैंने लिखा देखा था कि एक लक्ष्य को पूरा करने का अगर आपको इनाम देना चाहते हैं अपने आप को, तो इनाम यह है कि दूसरे लक्ष्य की तैयारी कर देना। तो इस बात ने मेरे को हमेशा से मोटिवेट किया,
जैसे मैं एक टारगेट क्वालिफाई करता था और उसका मैं अपने आप को गिफ्ट देता था, इनाम देता था, और इनाम के रूप में होता था रात को 12 बजे के बाद अगला टारगेट। मैं नहीं जानता था कब आएगा कब नहीं आएगा, और कभी वेट भी नहीं किया, लेकिन तैयारी जिस दिन टारगेट क्लोज हुआ उसी रात को मागुरु जी, अगले दिन ही रात को, उसी रात को जो है अगले टारगेट की हम तैयारी स्टार्ट कर देते थे। बहुत बढ़िया, पूरी पेपर प्लानिंग के ऊपर कि क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग ये तो पता ही होता था कितना बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर या कितने पेयर के ऊपर टारगेट आएगा, तो उसकी तैयारी करते थे। तो टारगेट के ऊपर जो है फोकस लगाया। अब टारगेट जीतने के बहुत सारे करीबन 50 से ज्यादा फायदे हैं जो कि YouTube के ऊपर है, श्री योगेश यादव साहब का पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप उसको जरूर मैं रिकमेंड करूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। तो टारगेट की पूरी डिटेल, क्या क्या फायदे होते हैं टारगेट से, अचीवमेंट किस तरह से बढ़ते हैं टारगेट से, किस तरह से हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, किस तरह से परिवार की नजर में वैल्यू बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अपलाइन लोगों की नजर में वैल्यू बढ़ा सकते हैं, किस तरह से कंपनी की नजर में हम अपनी वैल्यू बना सकते हैं, ये सारे फायदे टारगेट जीतने के होते हैं। लेकिन अब टारगेट जीतने के लिए अभी कंपनी ने, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, मागुरु जी लोगों के अथक प्रयास और ओजीसी क्लब के अथक प्रयास की वजह से इस बार हम लोगों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा टारगेट कंपनी ने दिया है। और ये इतना आसान टारगेट है कि इस बार अगर कोई भी लीडर ठान ले तो वो हर लीडर इस बार टारगेट क्वालिफाई कर सकता है, इतना आसान। मैंने मेरे पिछले 12 साल के करियर में मागुरु जी इतना आसान टारगेट नहीं देखा, मतलब इतना इजी टारगेट कंपनी ने दिया इस बार आप लोगों की मेहनत से कि इस बार हर लीडर को क्वालिफाई करने का मौका है। कोई भी लीडर इस बार ऐसा नहीं है जो टारगेट नहीं जीत सकता, बस एनर्जी और फोकस पूरा का पूरा 100% टारगेट के ऊपर हम लगा दे। अगर टारगेट के ऊपर हमने एनर्जी और फोकस लगाया तो इसका मतलब ये टारगेट हम बहुत ही स्पीड से और बहुत ही ज्यादा लोगों को क्वालिफाई करेंगे। और टारगेट जीतना मेरी नजर में एक आदत है, और इस आदत को हम जितना अच्छे डेवलप करेंगे, क्योंकि बोला जाता है मैन फ्रॉम हैबिट्स, हैबिट्स फ्रॉम फ्यूचर, कि इंसान आदतें बनाता है, आदतें फ्यूचर बनाती है, और टारगेट जीतना एक आदत है, और इस आदत को हम जितना अच्छे से, मैंने डे वन से टारगेट जीतने की आदत डाली, और टारगेट किसी भी सूरत में जो है हमारा रह जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो टारगेट जो है क्वालिफाई किसी भी सूरत में होता था, और टारगेट जीतने के लिए हमने क्या किया, टारगेट जीतने के लिए दो चीजों के ऊपर हमने एनर्जी लगाई, दो चीजों पे फोकस किया। और आज के समय पे इस टारगेट को अगर हम हिट करना चाहते हैं, टारगेट को अगर हम हिट करके और इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इसका एक ही तरीका है कि दो चीजों पे हम ध्यान दें, और वो दो चीजें हैं हमारी एनर्जी, फोकस हमारा टोटल टारगेट पे कि टारगेट एनी हाउ कंडीशन क्वालिफाई करना है, और एनर्जी फिर कहाँ लगानी है टारगेट जीतने के लिए, एनर्जी लगानी है कि हम हीरो ऑफ द डे और हीरो ऑफ द वीक के ऊपर हम फोकस करें। हीरो ऑफ द डे और हीरो ऑफ द वीक के ऊपर अगर अपन फोकस करेंगे तो टारगेट बहुत ही आसान हो जाता है। और क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हाथी को कभी पूरा नहीं खाया जा सकता, हाथी को टुकड़ों में खाया जाता है, तो उसी तरह से टारगेट को हम एक साथ क्वालिफाई नहीं कर सकते, इसके छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और पर वीक के अंदर इसको हम क्वालिफाई करें। अब टारगेट जीतने के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी हैं, कुछ लोगों के क्वेश्चन ये होता है कि सर टारगेट जीतना, कितने समय में टारगेट जीता जा सकता है। तो आज हमारी टीम में मागुरु जी लोगों के आशीर्वाद से एक दिन में भी लोगों ने टारगेट जीता हुआ है, मेरी टीम में एक वीक में भी टारगेट जीता हुआ है, दो वीक में भी टारगेट जीता हुआ है, और जो है पूरे टारगेट में जितना समय मिलता है उतने टारगेट में, उतने समय में भी टारगेट जीता हुआ है। तो ये तो हमारी एनर्जी के ऊपर और हमारे फोकस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने दिन में टारगेट जीतेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात को लेके एक डेडलाइन हम तैयार करें, कि मैं क्या करता था, मैं हमेशा एक डेडलाइन तैयार करता था कि 14 वीक, मागुरु जी ने हमेशा बताया कि 14 वीक में, क्योंकि पहले 14 वीक का टारगेट आता था, तो मागुरु जी बोलते थे कि दमदार लीडर केवल 4 वीक में टारगेट जीतता है, 14 वीक में तो लटूरे चंद टारगेट जीतते हैं, ऐसा करके मागुरु जी बोलते थे। तो मैं हमेशा बोलता था कि मागुरु जी, अपने आप को मैं बोलता था कि मैं लटूरा चंद नहीं हूं, मैं एक दमदार लीडर हूं, और दमदार लीडर केवल बोलने से नहीं होता, उसको दमदारी साबित करनी पड़ती है। तो 4 वीक का मैं टारगेट लगाता था, कई बार ऐसा हुआ 4 वीक में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले वीक में प्रयास करेंगे, लेकिन लास्ट तक टारगेट को नहीं खींचा कभी भी। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले डिसाइड करें कि आने वाले 1 वीक में, 2 वीक में, क्योंकि इस बार का इतना आसान टारगेट जो 1 वीक में भी क्वालिफाई किया जा सकता है, और मैं तो इतना तक बोलता हूं कि 1 दिन में भी टारगेट क्वालिफाई किया जा सकता है। तो इसके लिए हम एनर्जी कहां लगाएं, एनर्जी लगाएं दो चीजों पे, हीरो ऑफ द डे एंड हीरो ऑफ द वीक। अब ये हीरो ऑफ द डे क्या है, हीरो ऑफ द डे है कि हम पर डे 200 बिजनेस वॉल्यूम हर लीडर हम लेके आए। अच्छा, ये हीरो ऑफ द डे किस लेवल तक के लिए है, इसके लिए कोई लेवल डिसाइड नहीं है। ये जो है हीरो ऑफ द डे फ्रेशर से लेके और हम जितने जो लोग यहाँ पे इस सेशन के अंदर हम लोग बैठे हैं, हम सबके लिए हीरो ऑफ द डे होता है 200 बिजनेस वॉल्यूम, क्योंकि हम सभी कोर लीडर्स हैं, और कोर लीडर्स अगर 200 बिजनेस वॉल्यूम, मागुरु जी बोलते हैं कि जो इंसान 200 बिजनेस वॉल्यूम पर डे नहीं निकाल पा रहा वो काय बात का कोर है, वो कोर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 200 बिजनेस वॉल्यूम हम पर डे निकाले इसका मतलब हम कोर हैं, और 200 बिजनेस वॉल्यूम अगर हम पर डे निकालते हैं तो इसका मतलब आप हीरो ऑफ द डे क्वालिफाई करते हैं। और नेक्स्ट हमारा टारगेट
हीरो ऑफ द वीक, हीरो ऑफ द वीक कौन होता है? फ्रेशर से गोल्ड लेवल के ऊपर जो 5,000 रुपए का चेक बना दे वो हीरो ऑफ द वीक है, और पर्ल से और पर्ल से और टोपाज तक के जो लीडर्स हैं वो 10,000 प्लस का चेक बना दे वो हीरो ऑफ द जो है वीक होते हैं। तो इन दो चीजों के ऊपर हम ध्यान देंगे तो गारंटेड जो है आगे बढ़ेंगे। अब बात ये आते हैं हीरो ऑफ द वीक क्वालिफाई कैसे करें और हीरो ऑफ द डे क्वालिफाई कैसे करें। हीरो ऑफ द डे क्वालिफाई का एक ही मंत्र है और वो मंत्र को कुछ नहीं है, कोई इसमें जो है तंत्र मंत्र विद्या नहीं है, एक ही मंत्र है। मंत्र ये है कि नंबर्स ऑफ प्लान, अगर हम पर डे 5 प्लान करेंगे तो 200 सेल आराम से आ जाएगी। अब कोई केवल बेड पे पड़े पड़े हम सोच रहे हैं कि हाँ 200 बिजनेस वॉल्यूम आएगा, मैं किसको फोन कर लूं वहां से बिजनेस वॉल्यूम आ जाएगा, नहीं, इसके लिए प्लान दिखाने पड़ेंगे। लेकिन इस समय के ऊपर हमारे लिए कुछ बाउंडेशन है, कोविड बढ़ रहा है, मार्केट में हम निकल नहीं सकते, फिजिकली हम जो है फील्ड में जा नहीं सकते, तो जूम का हम सहारा लें। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन मागुरु जी होता है कि जूम पे रिजल्ट नहीं आते, जूम पे भी अगर 5 प्लान दिखाया जाएंगे तो आसानी से 200 बिजनेस वॉल्यूम आ जाता है, और फिजिकली जब हम फील्ड में होते हैं तब 5 प्लान दिखा के कौन सी 5 की ज्वाइनिंग ले लेते थे, वहां भी तो 5 में से 1-1.5 आदमी ज्वाइनिंग होता था। तो सेम रिजल्ट जूम पे, सेम रिजल्ट मार्केट में फील्ड के अंदर है। तो ये तो सिर्फ माइंड सेट का गेम होता है, क्योंकि माइंड सेट हमारा आज से पहले फील्ड का रहा है कि फील्ड में हम फिजिकली प्लान दिखा दिखा के हम रिजल्ट निकाल सकते थे। लेकिन साथियों फिजिकली से अच्छा रिजल्ट अगर हम फोकस करेंगे तो जूम के ऊपर, क्योंकि फिजिकली जब हम जाते हैं और जूम के ऊपर हम रहते हैं तो फिजिकली जहां पे बाउंडेशन है और हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते तो इसका मतलब जूम पे करना पड़ेगा। अब देखिए फिजिकली जब हम करते थे तो दिन के अंदर जो है प्लान के लिए जब हम जाते थे तो 2-3 घंटा हमारा कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में जाता था, 2-3 घंटा हमारा यात्रा में जाता था। उस 2-3 घंटे के अंदर हम 2-3 प्लान एक्स्ट्रा हम दे सकते हैं। फील्ड के अंदर जब हम जाते थे तो बाइक का पेट्रोल फूकता था, गाड़ी का पेट्रोल फूकता था, डीजल फूकता था, वो पैसा बच गया तो उस पैसे को हम कहीं ना कहीं बुक्स खरीद के और हम अपनी नॉलेज के ऊपर हम दे सकते हैं। तो जूम के हजारों फायदे हैं अगर मैं काउंट करवाने लगूं तो। साथियों जूम के ऊपर हम जितना जल्दी माइंड सेट कर लेंगे कि 5 प्लान अगर हमने जूम के ऊपर देना शुरू किया तो इस बात का ये प्रूव है, प्रूव हो चुका है कि आराम से 1-2 सेल 200-200 बिजनेस वॉल्यूम के 5 प्लान में आसानी से ले सकते हैं। लेकिन लेगा वो जो ईमानदारी के साथ पूरा सिस्टम के साथ 5 प्लान देने की हिम्मत दिखाएगा। 5 प्लान अगर हम नहीं दे रहे तो इसका मतलब हम हीरो ऑफ द डे क्वालिफाई नहीं करेंगे, और हीरो ऑफ द डे क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि आप ऑटोमेटिक हीरो ऑफ द वीक क्वालिफाई कर जाएंगे। हीरो ऑफ द डे मतलब अगर आप चेक लेग के ऊपर 200 बिजनेस वॉल्यूम आज हम अगर पर डे निकालते हैं तो 7 डेज के अंदर 7 सेल निकलेंगे हमारी सेल्फ एफर्ट से, और सेल्फ एफर्ट से जब 7 सेल निकलती है तो 7,000 रुपए का चेक बनता है। कईयों के एक और प्रॉब्लम रहती है, नेटवर्क में देखा है मैंने मागुरु जी, कईयों को ये लगता है कि अभी तो मैं पर्ल बन गया, अभी मेरा काम नहीं है ये 200 बिजनेस वॉल्यूम निकालना, अभी तो टीम का काम है। तो पर्ल बन गया तो मागुरु जी बोलते हैं धोबी कितना भी सीनियर हो जाए धोने तो कपड़े ही है, मेन जड़ को हम क्यों छोड़ते हैं? जब जब हमने पेड़ की जड़ में पानी डालना बंद किया तब तब पेड़ हमेशा सूखता है। और हमारी जड़ क्या है? हमारी जड़ है प्लान, STP, शो द प्लान। प्लानों के ऊपर हम जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतना अच्छे तरीके से हमारा जो है वो काम आगे बढ़ेगा। अपनी खुद की मेहनत से आज हम पर डे अगर 1 सेल निकालते हैं तो इसका मतलब 30 दिन में 30 सेल, मीन्स 30,000 का चेक, 30,000 रुपए का चेक तो हम अपनी खुद की मेहनत से छोड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जो है चेक नहीं बन रहे, अरे खुद की मेहनत होगी तो चेक बनेंगे। खुद की मेहनत जब हम करना शुरू करते हैं तो 30,000 रुपए तो किसी भी सूरत में हम ना छोड़ें, किसी भी सूरत में, सिर्फ सेल्फ एफर्ट से। टीम करेगी वो बात अलग है, हम अपनी मेहनत से 30,000 रुपए किसी भी सूरत में यहाँ से हर मंथ कमा सकते हैं। और उसके बाद ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो चीज हमको टीम करते देखती है सेम वो चीजें कहीं ना कहीं नेटवर्क में डुप्लीकेट होता है साथियों। तो इसके लिए 200 बिजनेस वॉल्यूम की आज हम प्रतिज्ञा करें, और इस बात को लेके क्योंकि मैंने हमेशा से, मैं मागुरु जी जब मैं गोल्ड लेवल पे था तो मैंने ये एक नियम बनाया था कि 200 बिजनेस वॉल्यूम जब तक मैं यानी कि 1 सेल नहीं निकालूंगा तो मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा। और कई बार ऐसा हुआ कि मैं भूखा सोया और 1-200 बिजनेस वॉल्यूम में जरूर निकालता था, क्योंकि 200 बिजनेस है। और ये किसी का मतलब किसी के बोलने पे कमिटमेंट नहीं था मागुरु जी, सेल्फ कमिटमेंट था मेरा। और सेल्फ कमिटमेंट सेम ऐसे ही होता है कि जिस तरह जिस दिन हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, उस दिन कोई किचन के ताला नहीं लगाता है। ऐसा नहीं है कि खाने पीने का सारा सामान छुपो दिया जाता है कि छिपा दो भाई ऐसे करके फ्रिज में डाल दो लॉक लगा दो, नहीं, वो हमारा सेल्फ कमिटमेंट होता है कि आज हम खाना नहीं खाएंगे। उसी तरह से हमारा सेल्फ ये कमिटमेंट मेरा होता था कि 200 बिजनेस वॉल्यूम किसी भी सूरत में पर डे में निकालूंगा, और उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। टारगेट की क्या बात है? टारगेट तो हम अपनी खुद की मेहनत से ना छोड़ें, टीम जो मेहनत कर रही है वो तो बोनस है, हम अपनी खुद के एफर्ट से टारगेट को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं।
क्योंकि चार वीक तक अगर हम हीरो ऑफ द वीक बन गए तो टारगेट क्वालिफाई हो जाता है। 1000 बिजनेस वॉल्यूम चेक लेग पे जाते हैं, हीरो ऑफ द वीक हम क्वालिफाई होते हैं। और चार वीक में अगर हम 1000 बीवी निकालते हैं तो 4000 बीवी होता है और 4400 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर जो है हमारा टारगेट क्वालिफाई हो जाता है। यानी कि सेल्फ एफर्ट भी अगर हम लगाना शुरू करेंगे तो 4 वीक से ज्यादा समय नहीं लगेगा इस टारगेट को जीतने के अंदर। बहुत साथियों, फोकस हम हीरो ऑफ द डे और हीरो ऑफ द वीक के ऊपर करें, और इसके ऊपर जितना ज्यादा फोकस बना दिया उतना बढ़िया काम चलेगा। और इस डमरू को हम जितना ज्यादा बजाएंगे, जितना ज्यादा, एक होता है जैसे पानी का एक टब है, ये इसी तरह से पानी का एक टब है, तो उसके अंदर या तो हम केवल उंगली डाल के ऐसे घुमाएं तो पानी नहीं घूमेगा, लेकिन पूरा हाथ डाल के अगर हम ऐसा घुमा देंगे तो पानी की जो है वो रफ्तार बन जाती है। उसी तरह से अपने आप को 100% समर्पण के साथ अगर सेफ सोप के अंदर हम डाल के और अपने टारगेट को लेके, अगर टारगेट के प्रति अगर हम समर्पित हैं तो इसका मतलब धुआंधार प्लानों की संख्या बढ़ गई, तो फिर हम हीरो ऑफ द वीक क्वालिफाई पक्का करेंगे। और हीरो ऑफ द वीक क्वालिफाई करेंगे तो टारगेट क्वालिफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। आज हमारे नेटवर्क में मागुरु जी हीरो ऑफ द वीक और हीरो ऑफ द डे का बहुत ही शानदार जो है दमदारी के साथ सभी जो है कोर लीडर्स लगे हुए हैं, और पर डे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं उनको सुबह सुबह पैनल के ऊपर। जितने लोग हीरो ऑफ द डे बनते हैं उनका पीपीटी तैयार करके और ऑनलाइन हम उन लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं। और एक नए आदमी के लिए एक्सेप्ट होता है दिमाग के अंदर, एक आदमी को आप बोले कि केवल आपको हीरो ऑफ द वीक क्वालिफाई करके और मागुरु जी लोगों के हाथों से बड़ा सम्मान मिलेगा, तो उसको हो सकता है कि पहले दिन डायमंड शिप की बात समझ ना आए। आप हम उसको बोले पहले दिन कि आप डायमंड बनेंगे, पहले दिन डायमंड की बात समझ नहीं आएगी, लेकिन पहले दिन उसका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट जरूर कर लेगा कि यार केवल 1000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 1000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में निकाल के मैं हीरो ऑफ द वीक जरूर क्वालिफाई कर सकता हूं। और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ये बात डेली 200 बिजनेस वॉल्यूम उसका दिमाग एक्सेप्ट करता है। और छोटे 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 स्टेप उठा के मंजिल कितनी भी दूर हो, ऐसा बोला जाता है कि मंजिल कितनी भी दूर हो शुरुआत एक कदम से होती है, और ये हीरो ऑफ द डे हमारे लिए बेस्ट कदम है। और इस कदम को अगर हमने बढ़ाना शुरू किया तो डायमंड शिप आते साथियों समय नहीं लगेगा, टारगेट क्वालिफाई करने में समय नहीं लगेगा, कैपिंग आने में आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारे बिजनेस की जड़ है। और इस जड़ को हम जितना ज्यादा पोषण देंगे, जितना ज्यादा हम इसके अंदर जो है वाटर डालेंगे, जितना ज्यादा हम इसका जो केयर करेंगे, तो हमारा सफलता रूपी वृक्ष उतना अच्छा हरा भरा रहेगा और उतना अच्छे से डेवलप होगा। तो इसके ऊपर हम फोकस करें। और हर लीडर का, अच्छा ये हवा में नहीं होगा, मेन लीडर से मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, महागुरु जी मैं कैसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं कि मैं सबसे पहले टारगेट लगाता हूं कि आज हमारे हीरो ऑफ द वीक कितने क्वालिफाई होंगे। टारगेट लगा कि आज हमको 100 लोगों को हीरो ऑफ द वीक क्वालिफाई करना है, क्योंकि कील हमेशा ऊपर से ठुकती है। ऊपर से अगर माइंड सेट होगा तो नीचे ऑटोमेटिक माइंड सेट हो जाता है। तो हम सभी मेन लीडर्स जो हैं, जिसमें रेड क्लब एंड अबाउ लीडर्स हैं, हम ये टारगेट लगाएं कि आज मेरे यूके डाउन से कितने हीरो ऑफ द वीक निकल रहे हैं, कितने हीरो ऑफ द डे मेरे निकल रहे हैं। आज मैंने टारगेट लगाया कि कल मेरे 10 हीरो ऑफ द डे निकले थे, तो आज मेरा टारगेट है कि कम से कम उसको 1.5 गुना या 2 गुना किया जाए। आज मैं किसी भी सूरत में 15 से 20 जो है हीरो ऑफ द डे में निकालूंगा। पिछले वीक में मेरे हीरो ऑफ द वीक क्वालिफाई हुए मान लेते हैं 20, तो इस बार मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस बार इसको जस्ट डबल किया जाए। इस बार पीछे पड़ के क्योंकि नए लोग आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों के चेक बने हैं, तो उनमें आज एनर्जी है बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही मोटिवेट है वो, तो इसका जस्ट डबल किया जा सकता है। तो पर डे का हम सभी रेड क्लब एंड अबाउ लीडर्स ये टारगेट लगाएं कि मेरे यूके डाउन से आज इतने हीरो ऑफ द डे निकलेंगे, और फिर उसके पीछे बिल्कुल पीछे पड़ के और उनको हम निकलवाएं, क्योंकि अपने आप नहीं होगा, ये करवाना पड़ेगा। तो जिस तरह से मागुरु जी बोलते हैं कि भैंस दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है, तो उसी तरह से हीरो ऑफ द डे क्वालिफाई नहीं होंगे, क्वालिफाई करवाना पड़ता है। हीरो ऑफ द वीक क्वालिफाई नहीं होंगे, क्वालिफाई करवाना पड़ता है। तो इसके लिए हम पीछे पड़े और ज्यादा से ज्यादा हीरो ऑफ द डे हीरो ऑफ द वीक के ऊपर हम ध्यान देंगे। तो साथियों मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि एक एक लीडर जो इस मीटिंग में ज्वाइन है, और बहुत सारे लोग जो आज ज्वाइनिंग नहीं हो पाए, हम सभी लोगों को जो है कंपनी का टारगेट क्वालिफाई करवा सकते हैं, और कम से कम 1000 टारगेट जो है वो हम इसी 2 महीने के ड्यूरेशन के अंदर हम क्वालिफाई करवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मागुरु जी का, बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने मेरे को मौका दिया बोलने के लिए आज इस पैनल के ऊपर। और सभी के सभी हमारे टॉप लीडर्स हैं, चौधरी साहब हैं और एनसी विश्वास दादा हैं, संजय यादव जी हैं और बाकी जितने भी अरिजीत सरकार जी हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डायमंड क्लब का धन्यवाद जिन्होंने मेरे को मौका दिया, और स्पेशल मागुरु जी का दोबारा से धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू गोल्डन हीरो पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज रियली में पवन जी आपने
सागर में गागर भर दिया और थोड़े समय में आपने बता दिया कि टारगेट को कैसे जीता जा सकता है और कैसे आपने एक एक स्टेप बाय स्टेप करके अपने जीवन में उन्नति की और आगे बढ़े। मैं चाहता हूं पवन जी के लिए सारे लोग हम लोग ऊपर हाथ करके बहुत म्यूजिक के साथ जोरदार तालियों से एक धन्यवाद देते हैं। बहुत जोरदार तो जैसा मैंने बोला था वैसा ही हो रहा लग रहा है। सारे लोगों को लग रहा था कि पवन जी बोलते रहे हम लोग सुनते रहे। ये ऐसे सही मेरे दिल की अकेले की भावना है या सबकी है? कितने लोगों की भावना है? सर बहुत जल्दी क्लोज कर दिया। सबकी भावना है कि नहीं है? सबकी भावना है। तो दोस्तों क्योंकि ये बोलते ही ऐसे है कि लोगों को दिल करता सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। ये जब भी स्टेज पे आते हैं या जब भी पैनल पे आते हैं मतलब कभी लोगों को ये नहीं लगता यार कब खत्म होगा इनका सेशन। तो दोस्तों आज इन्होंने टारगेट का महत्व बताया, एक बहुत बढ़िया रेफरेंस भी कोट किया है। मैं चाहूंगा पवन जी मेरे को उसका यूट्यूब लिंक भेज देना जिसमें टारगेट जीतने के जो 50 फायदे योगेश यादव जी ने लेकर रखा है जी। और आप पीपीटी भी मेरे को सेंड कर देना एक बार। और दोस्तों आज मैं चाहता हूं कि पवन जी को सुनने के बाद कितने लोगों ने कसम खा ली है, कितने लोगों ने दिल ही दिल में कमिटमेंट ले लिया है। मैं 5-4 लोगों का चाहता हूं कि पवन जी के सामने अपनी फीलिंग बताएं। कितने लोगों ने कमिटमेंट ले लिया कि टारगेट इस बार तो करके दिखाएंगे? सही है। तो मैं चाहता हूं पहले तो असीम जी, क्योंकि असीम जी नहीं है। अच्छा असीम जी नहीं है। तो असीम जी आप ही बताइए पवन जी को सुनने के बाद क्या फीलिंग आ रही है। टाइगर एक ही बात बता दो। महागुरु जी प्रणाम। महागुरु जी पवन यादव जी में कुछ बातें कॉमन है। वो भी दो भाई कर रहे हैं, हम भी दो भाई कर रहे हैं। ये छोटे भाई थे इनको पसंद नहीं था, मेरे बड़े भाई को पसंद नहीं था। ये दोनों भाई डायमंड बने, हम दोनों भाई डायमंड बनने जा रहे हैं। कमिटमेंट है महागुरु जी, इस बार मेरे टीम से 1000 लोग टारगेट जीतेंगे महागुरु जी। धन्यवाद सो मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, एक नारी शक्ति को भी हम सुनते हैं। मोहिनी मैम अनम्यूट करो बेटा। थैंक यू महागुरु जी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बताइए पवन जी को सुनके क्या फीलिंग है? जी सर आज पवन यादव सर को सुन के सर एनर्जी इतनी आ गई है ना, मन ही नहीं कर रहा कि फोन मतलब ये चुप हो जाए बिल्कुल बोलना। और सर जैसे सर ने जो ट्रेनिंग दी है ना सर, उससे एक बात तो होता है, सबसे पहली जो बात है वो सर जिम्मेदारी लेनी अपनी और अपनी टीम की जिम्मेदारी लेंगे। और सर डमरू बजाना पड़ेगा सर, डमरू बजाएंगे तभी काम होगा, बिना डमरू बजाए हम काम नहीं कर सकते। सर सर पवन सर आज हम सर डमरू बजाना शुरू करेंगे। कमिटमेंट करती हूँ सर, ये टारगेट हर हाल में जीत के दिखाऊंगी सर। आज पता चला महागुरु जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और कौन बब्बर शेर या बब्बर शेरनी बताना चाह रहा है, आपका फीडबैक देना चाह रहा है पवन जी को सुनने के बाद? जल्दी हाथ खड़ा करो, जिसका हाथ खड़ा करेंगे तो। चलो प्रशांत गोडबोले जी हमारे बीच में है। प्रशांत जी अनम्यूट करो टाइगर। क्या लग रहा है आपको अभी महागुरु जी? पवन यादव सर को जब जब सुना है तब तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट, उनका सेल्फ कमिटमेंट इतना स्ट्रांग है महागुरु जी। कमिटमेंट है प्रशांत गोडबोले का, चाहे ऑन द जॉब रह के भी आज फुल टाइम के तौर पे रिकॉर्ड ब्रेक काम करके दिखाएंगे महागुरु जी। और एक सेल्फ कमिटमेंट है, आज से 5 प्लान खुद के होंगे महागुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खुद के प्लान होंगे। और टारगेट का कुछ बोला ही नहीं महागुरु जी। टारगेट मैं कलकत्ता जा रहा हूँ 9 तारीख को, और महागुरु जी 101% मेरे टीम से इस बार 50 से 100 लोगों को टारगेट जितवाएंगे महागुरु जी। क्या बात है बहुत बढ़िया पवन जी, आपने सही टाइम पे थोड़ा मारा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल महागुरु जी, बिल्कुल बड़े बड़े हवाई जहाज का। चलो प्रशांत सतपते जी भी अपनी भावनाएं बताना चाह रहे हैं, बार बार हाथ खड़ा कर रहे हैं। वेलकम प्रशांत जी, बताइए महागुरु जी आपके रोंगटे कैसे खड़े हो रहे हैं, क्या बोल रहा है महागुरु जी? रोंगटे तो जैसे भी खड़े हैं, और हम लोग मतलब क्या सोच रहे थे सर थोड़ा और ले ट्रेनिंग पर। गुरु जी जबरदस्त ट्रेनिंग लिया गुरु जी, आज कमिटमेंट लेते हैं तो हो रहा था, आप और ज्यादा करेंगे गुरु जी, जिम्मेदारी तो लेते हैं। और छोटे भाई असीम जी ने बोल दिया कि 1000 टारगेट, 900 तो प्रशांत सर के टीम से चार में गुरु जी, हम लोग एकदम मतलब टारगेट चल के लाइन लगा दें गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, और थैंक यू पवन सर, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर।
बहुत बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल। अभी पवन जी को हमने बोला थोड़े दिन आप क्या नाम है राजेश खन्ना के रोल में रहना है थोड़े दिन, बाद में फिर आप उसमें आना है। तो चलो एक सीनियर लीडर है हमारे संदीप अरोरा जी। संदीप जी दो लाइन में बताइए क्या फीलिंग है यंग स्मार्ट आइकॉन को सुनने के बाद। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि खुद की जिम्मेदारी, अगर हम खुद को जिम्मेदार बना के जिम्मेदारी से काम करते हैं तो हम वास्तव में टारगेट, और सर ने तो आज ऐसा कर दिया कि बस जी कर रहा है कि जूम पैनल पे सबसे पहले ये चीज सीखी जाए कि मुझे प्लान कैसे देना है। और अगर बहुत बढ़िया वंडरफुल वंडरफुल। अभी एक गफ्फार खान साहब है हमारे सीनियर लीडर लग रहे हैं सीनियर, तो बताइए गफ्फार खान साहब। हाँ गुरुदेव की जय हो। जय हो गुरुदेव। आज की फीलिंग बहुत अच्छी मिली और मैं तो पहले यूट्यूब पे पवन सर को देखता रहता हूँ, बहुत ज्यादा देखता हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता हूँ। और गुरुदेव 100% मैं अपना खुद का टारगेट करूंगा करूंगा, लेकिन अपनी टीम से 50 टारगेट करके दिखाऊंगा। 50 क्या बात है, बहुत बढ़िया गप्पा। ऊर्जा भरती है। ललन कुमार, या ललन कुमार जी कटिहार से क्या बोलते हैं? माँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम माँ गुरु जी। पवन सर को जब भी आप, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, आज सुना तो कैसा लगा ये बता। बहुत बढ़िया लगा माँ गुरु जी, पवन सर को सुन लेता हूँ, मैं टारगेट भी दिख जाता हूँ। पवन सर का धन्यवाद देता हूँ, आपका भी धन्यवाद देता हूँ। माँ गुरु जी मैं तो टारगेट जीतूंगा और मेरे टीम से 100 टारगेट जीताऊंगा। माँ गुरु जी क्या बात है, 100 टारगेट पवन जी के लिए, ललन जी के लिए, दोनों के लिए तालियां हो जाए एक बार। बहुत बढ़िया वंडरफुल। और नेक्स्ट लीडर हमारे शिशिर कुमार नायक जी। शिशिर कुमार जी महागुरु जी की जय हो। महागुरु जी आज पवन सर के माध्यम से जो हमें जानने का मौका मिला, महागुरु जी फोकस और एनर्जी एक लगता है महागुरु जी, और वो है टारगेट के ऊपर। तो महागुरु जी मेरा एक कमिटमेंट है, हर दिन का मेरा ये टारगेट रहेगा, जो पार्ट डे मैं हीरो ऑफ द डे 200 लोगों को बनाकर दिखाऊंगा वो जारी रखते हुए महागुरु जी इसी टारगेट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक अशरफ अशरफ खान साहब है, अशरफ टाइगर हमारे बीच में है। अशरफ बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार टाइगर सर। मुझे पवन यादव सर की एक बात बहुत बढ़िया लगी सर, इन्होंने बोला कि हाथी का एक टुकड़े में नहीं खाया बल्कि छोटे छोटे टुकड़े में खाया जाता है, एक साथ नहीं खाया जाता सर। तो नंबर दो सर, इन्हें बताया कि बोले किसी भी काम करने हमें टारगेट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, हीरो और वीक ऑफ द हीरो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और छोटे टुकड़े में मतलब जैसे बोलते बूंद बूंद से छोटे बूंद से बड़ा तालाब भरता सर। तो इंशाल्लाह मैं इस टाइम खुद भी टारगेट कंप्लीट करूंगा और अपनी टीम से 8 लोगों से टीम को मतलब कि मैं टारगेट कंप्लीट कराऊंगा सर। वेरी गुड टाइगर, वेरी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बिल्कुल आपने डिसीजन ले लिया है कि बहुत तगड़ा वाला काम करके दिखाना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर, पक्का सर। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अशरफ टाइगर अनम्यूट कर लो अपने आप को। और नेक्स्ट